स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कक्षा दो का विषय हिंदी पाठ नौ। पाठ का नाम 50 पैसे किलो। ये आपका है 50 पैसे किलो। बहुत ही अच्छा बाल एकांकी है। इस एकांकी को हम अच्छे से पढ़ेंगे और आज समझेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। एक मोटा आदमी एक दुबले पतले रिक्शा वाले के पास आता है। एक मोटा आदमी है, वो बहुत ही मोटा है क्योंकि मोटा आदमी, और दुबले पतले रिक्शा जो चला रहा है वो बहुत ही दुबला पतला है, तो उसके पास वो जाता है मोटा आदमी रिक्शे वाले से। मोटा आदमी रिक्शे वाले से कहता है भैया स्टेशन चलोगे, और बोलता है रिक्शे वाले से भैया स्टेशन चलोगे। तो रिक्शा वाला बोलता है जी हाँ चलूँगा। फिर मोटा आदमी किराया बताओ, मोटा आदमी रिक्शे वाले से पूछता है किराया बताओ। रिक्शा वाला फिर बोलता है सेठ जी 50 पैसे डैश डैश डैश। यहाँ पे वो 50 पैसे कह के फिर चुप हो जाता है। मोटा आदमी चौंक कर 50 पैसे, अरे कहीं 50 रुपये तो नहीं। तो मोटा आदमी वहाँ पे चौंक कर आश्चर्य के बोलता है 50 पैसे, अरे कहीं 50 रुपये तो नहीं। रिक्शा वाला नहीं सेठ जी, अपना तो एक ही किराया है सबके लिए 50 पैसे किलो। तो फिर रिक्शा वाला बता रहा है सेठ जी से नहीं सेठ जी, अपना तो बस मेरा तो बस एक ही किराया है सबके लिए 50 पैसे किलो। मतलब वो किलो वजन करके अपने रिक्शा पर सबको बैठाता है। मोटा आदमी चौकर ए 50 पैसे किलो। मोटा आदमी को आश्चर्य हो रहा है, अजीब आदमी हो रिक्शा का किराया 50 पैसे किलो, अरे सवारी ढूंढते हो या सब्जी बेचते हो। तो फिर मोटा आदमी चौंक कर बोलता है कि अजीब इंसान हो अजीब आदमी हो रिक्शा का किराया 50 पैसे किलो, और बोलता है कि सवारी ढोते हो या सब्जी बेचते हो, मतलब सवारी ढोते हो और वजन करके या सब्जी बेचते हो। रिक्शा वाला मैं सब्जी नहीं बेचता, तोल कर सवारी ढोता हूँ, तोलने की मशीन साथ रखता हूँ, यह देखिए मशीन दिखाता है। फिर रिक्शा वाला बोलता है मैं सब्जी नहीं बेचता हूँ, मैं तोलकर मतलब वजन करके ही सवारी ढोता हूँ, और तोलने वाली मशीन भी साथ में रखा रहता है, और उस आदमी को मोटे आदमी को मशीन दिखाता है। मोटा आदमी ठीक है तोलो वजन, मुझे जरा जल्दी है। फिर मोटा आदमी बोलता है कि वजन तोल लो क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है, जल्दी जाना है। रिक्शा वाला आइए मालिक, मशीन नीचे रख देता है। मोटा आदमी तोलने की मशीन पर खड़ा होता है, और रिक्शा वाला क्या करता है वहाँ पे नीचे मशीन रख देता है और आदमी को तोलने की मशीन पर खड़ा कर देता है। रिक्शा वाला मशीन देखकर आंख फाड़ते हुए बाप रे मशीन फेल हो गई, आदमी का वजन तो यह तोल ही देती है। लेकिन फिर रिक्शा वाला क्या करता है आंख फाड़ते हुए देखता और अपने आप को आश्चर्य करता है बाप रे यह तो मशीन फेल हो गई, आदमी का वजन तो तोल ही देता है, लेकिन कह के फिर वो क्या होता है चुप हो जाता है। मोटा आदमी नाराज होकर लेकिन क्या तुम्हारा मतलब है कि मैं आदमी नहीं जानवर हूँ, जवान संभाल कर बातें करो। फिर मोटा आदमी नाराज हो जाता है और बोलता है उस रिक्शे वाले से तुम्हारा मतलब क्या है कि मैं आदमी नहीं जानवर हूँ, अपने जवान को संभाल कर बातें करो, और उसको रिक्शा वाले को डांटता है। फिर रिक्शा वाला सेठ जी मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मशीन से आपका वजन तुल नहीं रहा, इसमें मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा वजन है आपका तो। फिर रिक्शा वाला बोलता है सेठ जी मैं तो ऐसा नहीं कहा, आपको ना ही जानवर कहा ना ही कुछ कहा, मशीन तो आपका वजन तुल नहीं रहा, इसमें मैं क्या करूं, बहुत ज़्यादा वजन है आपका तो। मोटा आदमी तो क्या हुआ, माल खाते हैं हम और फिर तुम्हारे घर से थोड़ा ही खाते हैं। फिर मोटा आदमी गुस्सा कर बोलता है कि माल खाते हैं हम और फिर तुम्हारे घर से थोड़ा ही खाते हैं, तुम्हारे घर का कोई थोड़े न खाते हैं। और रिक्शा वाले को बोलता है मोटा आदमी रिक्शा वाला नाराज मत होइए सेठ, यह मशीन तो आपका वजन तोलेगी नहीं, थोड़ी दूर पर ट्रक तोलने वाला कांटा है, वहाँ चलिए काम हो जाएगा, तुलाई के पैसे आपको देने पड़ेंगे। फिर रिक्शा वाला बोलता है मोटे आदमी को कि आप नाराज मत होइए, यह मशीन आपका वजन नहीं तोल पा रहा है, थोड़ी देर दूर पर ही आपके पास आपको तोलने के लिए ट्रक वाला कांटा है, वहाँ चलिए काम आपका हो जाएगा, लेकिन हाँ जो तुलाई के पैसे आएंगे उसे आपको ही देना पड़ेगा। मोटा आदमी नाराज होकर तुम मुझे ट्रक बता रहे हो, तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। तो फिर मोटा आदमी क्या होता है गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि तुम मुझे ट्रक बता रहे हो, तुम्हें अभी मैं सबक सिखाता हूँ।
थप्पड़ उठाता है तभी ढेर सारी मोटी मोटी मधुमक्खियां चारों ओर से आकर उन्हें चिपट जाती हैं। जब मोटा आदमी उस आदमी को सबक सिखाने की बात करता है तभी जैसे वो थप्पड़ उठाता है वहां पे मोटी मोटी मधुमक्खियां चारों तरफ से आके उसे क्या करती हैं, पकड़ लेती हैं, चिपट जाती हैं। रिक्शा वाला दोनों हाथों से मधुमक्खियां छुड़ाता हुआ रिक्शा पर चढ़कर भागता हुआ, भागो सेठ नहीं तो ये मक्खियां आपको सबक सिखा देंगी, दुगुना मोटा बना देंगी, भागो भागो। फिर रिक्शा वाला वहां से क्या करता है, अपने रिक्शे पे बैठ के चढ़ के भागना शुरू कर देता और भागो भागो सेठ करके वो वहां बोलता है। फिर बोलता है नहीं तो ये मक्खियां, मतलब वो मोटा आदमी उस रिक्शे वाले को सबक सिखाने के लिए हाथ उठाया था। तो फिर रिक्शा वाला बोला है कि अभी आपको ये मधुमक्खियां सबक सिखा देंगी और आप दुगुना मोटा बना देगी, भागो भागो। मोटा आदमी दोनों हाथों से मक्खियां उड़ाता हुआ, बाप रे कितनी मोटी मोटी ढेर सारी मधुमक्खियां, अब भागू नहीं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हाय हाय यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिखाई देती, पैदल ही भागू, हाय हाय क्या करूँ, तेज भाग भी नहीं पा रहा मैं मरा। फिर क्या, मोटा आदमी दोनों हाथों से मधुमक्खियां को भगाता है। यहाँ फिगर देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पे मोटा आदमी मधुमक्खी भगाता है और रिक्शा वाला रिक्शा पर बैठ के ही वहां से चला जाता है, नहीं तो ये जिंदा नहीं छोड़ेंगी। और मोटा आदमी ये भी बोला नहीं तो ये मधुमक्खियां मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगी, हाय हाय ओ हाय कर रहा है, यहाँ तो कोई सवारी भी नहीं दिखाई देता, वहां पे जब उसको मधुमक्खी काट रही तो वहां पे उसको कोई सवारी दूसरा दिखाई नहीं देता, पैदल ही भागू, अपने मन में सोच रहा है कि पैदल ही भागू, हाय हाय और हाय हाय करके वहां पे बोल रहा है क्या करूं, तेज भाग भी नहीं पा, और वो मोटा है इसलिए वो तेज भाग नहीं पा रहा और अपने आप को बोल रहा है मैं मरा, अब मैं मर जाऊंगा। दोनों हाथों से मक्खियां उड़ाता हुआ पूरा जोर लगाकर गिरता पड़ता मोटा आदमी भाग जाता है। फिर क्या करता है, दोनों हाथों से वो मधुमक्खियों को भगाता है और गिरता पड़ता, मतलब ऐसे ही किसी तरह से भाग रहा तो गिर जा रहा, क्योंकि मोटा है भाग नहीं पा रहा है, गिर रहा है और उठ रहा है और भाग रहा है वहां से और चिल्ला रहा है, वहां पे हाय हाय करके चिल्ला रहा है। तो ऐसे ही आप इस कहानी को, बाल एकांकी को अच्छे से पढ़ेंगे और आप इस कहानी को समझेंगे, बहुत ही अच्छी कहानी है, ये आपका होमवर्क रहेगा। आज की क्लास यहीं ओवर हो रही है, थैंक यू।